Breaking news. इस वक्त की सबसे बड़ी डी खबर डिंडौरी से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शहडोल आ रही बस पलटी 24 लोग हुए घायल डिंडौरी से प्रधानमंत्री के आदिवासी गौरव कार्यक्रम में शहडोल आ रही बस पलट गई बताया जा रहा है कि हादसा आज सुबह करीब 11 बजे उस व्यक्त हुआ जब बस अनूपपुर जिले की सरई चौकी अंतर्गत आने वाली बगदरा घाट पार कर रही थी इस हादसे में बस में सवार सैंतीस लोगों में से चौबीस लोग घायल हो गए हैं बता दे बस में सवार सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहडोल जा रहे थे अनूपपुर में बगदरा घाट के तीखे माइड पर ड्राइवर का बस से नियंत्रण हट गया जिसके बाद बस पलट गई और 24 लोग घायल हो गए जिनमें से दो लोगों को ज्यादा चोट आई है घटना के बारे में अनूपपुर जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेंद्र प्रसाद सोनी ने बताया कि बस में सवार 24 लोगों को चोटें आई हैं इनमें एक का हाथ फ्रैक्चर हो गया है वही दूसरे के सिर में चोट आई है घटना की सूचना मिलने के बाद चोटिल लोगों को चार से पांच एक सौ आठ वाहन से अस्पताल लाया गया घायलों को खमरौद बेनीबारी और सरई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है घटना की सूचना मिलने पर मौके पर सरई पुलिस चौकी एवं राजेंद्र ग्राम थाना प्रभारी पहुंचे बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी लोग डिंडौरी जिले के धनुआ सागर गांव के हैं जो सुबह डिंडौरी से शहडोल के लिए रवाना हुए थे बस पलटने की सूचना मिलने पर डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं उन्होंने बताया कि बस में सवार सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहडोल जा रहे थे यात्रियों को सामान्य चोट आई है बाकी सभी यात्री सुरक्षित हैं यूट्यूब पर द खबरदार न्यूज और टीकेन ओरिजिनल्स को सब्सक्राइब करें अब आप हमारी रिपोर्ट्स को देख सकते टीवी पर भी सेल नेटवर्क के चैनल नंबर 101 और डिजियाना नेटवर्क के चैनल नंबर 93 पर रोज रात एट बजे से नाइन बजे तक और सुबह एट बजे से नाइन बजे तक खबरों से जुडे रहने के लिए बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ